A very good morning to all my dear students. आज हम लोग BCA fifth sem की mathematics numerical methods पढ़ रहे हैं. इसमें unit 3 चल रही है और unit 3 में हम लोगों का चल रहा है trapezoidal rule. क्या चल रहा है? Trapezoidal rule. तो trapezoidal rule का हम लोग जो है second question करेंगे. First question हम लोग previous class में कर चुके हैं. तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है. इवेल्युएट जीरो टू इंटीग्रेशन साइन जीरो टू 1.2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएस यूजिंग ट्रेपेज़ॉइडल रूल. ये आपको इवेल्युएट करना है. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो इंटरवल है ये 0 से 1.2 है गिवन, ठीक है. तो हम लोगों को 6 to 7 इंटरवल्स में डिवाइड करना है और देखना है हमारा जो नंबर आए वो, मतलब इस तरीके से आपको डिवाइड करना है कि सबके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है. मतलब जो 0 से 1.2 की लिमिट है तो आप उतने इंटरवल में डिवाइड करो कि आपको हर दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम मिल जाए, ठीक है. तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया hence divide interval 0.1 by 1.2 into 6 sub intervals of width h is equal to 0.2. तो देखिए h is equal to 0.2. 0.2 का मतलब क्या है, अब देखिए 0, ये जो limit है 0 plus 1 by 2 divided by 6, जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.2. और ये 0.2 क्या है, h इज इक्वल टू है. तो h इज इक्वल टू है तो मतलब 0.2 का गैप होना चाहिए x की हर एक वैल्यूज दो वैल्यूज के बीच का. तो अब हम किस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए सबसे फर्स्ट वैल्यू हमने 0 ली. हमें 0 क्यों लेनी पड़ी फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट 1.2 है. इसका मतलब x की जितनी भी वैल्यू होंगी, x की सबसे छोटी वैल्यू मतलब x0 0 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू मतलब जो भी लास्ट वैल्यू होगी xn, xn को हम लास्ट वैल्यू मानते हैं, तो जो भी लास्ट वैल्यू होगी वो 1.2 होगी. इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में बाकी वैल्यूज होंगी और हर दो वैल्यूज के बीच का गैप 0.2 होना चाहिए. तो हमने सबसे पहली वैल्यू 0 ले ली, 0.2 का डिफरेंस चाहिए तो हमने 0.2 ले ली. 0.2 में से 0 माइनस करोगे 0.2 आएगा. फिर नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या किया, जो हमारा h इज इक्वल टू होता है 0.2, तो हमने 0.2 इस वाली वैल्यू में ऐड कर दिया, 0.4 मिल गया. 0.4 में फिर से 0.2 ऐड कर दिया, 0.6 मिल गया. फिर 0.8 मिल गया. फिर 0.2 ऐड कर दिया तो 1 मिल गया, और 1 में भी 0.2 ऐड कर दिया तो 1.2 मिल गया, ठीक है. अब इस वैल्यू को निकालना क्या है, जैसे हम बार बार आप लोगों को बता चुके हैं कि आपको 82 ms का साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है कैलकुलेशन को करने के लिए. अब यहाँ देखिए कैलकुलेटर के बगैर आप इस क्वेश्चन को लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको टेबल तो मिलती नहीं है वहां पे. क्या आपको लॉग टेबल मिल जाएगी, साइन टेबल, कॉस टेबल, ये सब टेबल नहीं मिलती है. आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर इसीलिए अलाउ किया गया है कि आप उससे वैल्यूज को सॉल्व करें और आंसर लाएं. अब देखिए इस टेबल में जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू अगर आपने 0 रखा, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1 आ गया, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 लिख दिया. उसके बाद x1 की वैल्यू है 0.2. अब आपने इस वाले टर्म में x की जगह पे 0.2 रखा, तो 0.2 का स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसमें 1 ऐड करोगे. 1 ऐड करने के बाद जो भी मिलेगा तो लॉग में आप उतनी वैल्यू, देखो जैसे आपको हम बता दें, जैसे 0.2 है इनटू, अगर आप 0.2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.04. अब इसमें अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो आपको मिलेगा 1.04. तो आपको लॉग 1.04 की वैल्यू देखनी पड़ेगी साइंटिफिक कैलकुलेटर में कि क्या होती है. तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.0170. इसी तरीके से x2 की वैल्यू है 0.4,
तो 0.4x की जगह पर रखोगे, 0.4 का स्क्वायर करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, उसमें 1 ऐड करोगे, फिर लॉग जो भी आएगा उसकी वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से देखोगी क्या आएगा, तो आंसर आना चाहिए 0.0644। तो इस तरीके से हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज y की, x की तो हमने लिख ली 0.2 के गैप में, और y की हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज हमको मिल गई। अब हेंस अप्लाइंग ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ट्रेपेजॉइडल रूल होता क्या है, तो देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख देंगे जो गिवन है, इक्वल टू h बाय 2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 2 ब्रैकेट में सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या था, 0, y वाली टेबल में देखिएगा। सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म क्या है आपका, 0.3873, तो देखिए हमने यहाँ पे 0.3873 रखा है प्लस 2, फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितनी भी y1 से लेके y5 तक की वैल्यूज थी उन सब का हमने सम करके लिख दिया है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इस वैल्यू को लिख दिया, फिर इन सब का सम करके 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इन दोनों को सम करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 0.18491। अच्छा, यहाँ पे h की वैल्यू 0.2 निकाल ली थी, तो 0.2 रख दोगे h की जगह पे, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको 0.1 मिल जाएगा। तो ये बहुत ही, मतलब इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है याद करना, याद ही हो गया होगा आप लोगों को, h बाय 2 फिर बिग ब्रैकेट सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट सम ऑफ रिमेनिंग टर्म्स ब्रैकेट क्लोज, यही जो है ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जितने भी जो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है तो आपको उस वैल्यू को ऐड करके ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जितने इंटरवल्स में आप डिवाइड करना चाहते हो। जैसे हमने इनटू 6 सब इंटरवल्स क्यों लिखा, क्योंकि अब हम अगर 0.22 का गैप करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिल गई, देखिए x0 से x5 तक की वैल्यू मिल गई। अगर हम यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू ले लेते, मान लीजिए 8 ले लेते, ठीक है, 8 की 8 ले लें या कुछ ऐसा ले लें जो डायरेक्ट इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो फिर कम वैल्यूज आपको नहीं लेनी है। यहाँ पे जो हमने ये 6 लिया है, यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिससे आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा मिले, क्योंकि h की जो वैल्यू आएगी अगर कम आएगी तो आप उसको लंबी टेबल बना सकते हो, बड़ी टेबल बना सकते हो, तो जितनी बड़ी बनेगी उतना ही आंसर आपका एक्यूरेट आएगा। ठीक है, आपको पता है कि इन सभी क्वेश्चंस को जो हम लोग कर रहे हैं सब में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है, तो अप्रोक्सीमेट में भी कितना आप जो है सही आंसर की तरफ जाते हो तो उसके लिए आपको टेबल जितनी बड़ी बन पाएगी उतना सही रहेगा। और कोशिश करिए कि जैसे 0 से 1.2 दिया है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इन दोनों को सम करने के बाद ऐसा हमने 6 नंबर ले लिया, 0.22 का गैप कर दिया, ठीक है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो पूरा डिवाइड भी हो जाए और आपको जो इंटरवल मिले उससे आपको 6 to 7 वैल्यूज एक्स की मिल जाए, और वही वैल्यूज एक्स की आप रख के वाई की वैल्यू निकाल लोगे, और उसके निकालने के बाद फॉर्मूला तो बहुत ईजी है ही है। तो जैसा कि हर रोज हर क्लास में हम बोलते हैं कि ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर भी कर दीजिए जिससे और लोग भी अपॉर्चुनिटी और लोगों को भी मिल पाए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे अच्छे से और समझते रहेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को कई बार देखिए तो जरूर समझ में आएगा। थैंक यू।